हाँ, हमारे पापा और मेरे चाचा दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था। वो लोग वहाँ गए केस करने के लिए, तो मेरे चाचा बताने लगे कि मतलब यहाँ चार हिस्सा होना चाहिए, तो उतने पे मेरे बुआ को बोले कि फूंक दिया जाएगा। इतने में पुलिस भड़क के बहुत ज़्यादा मेरे चाचा को मारने लगी, थप्पड़ थप्पड़, और मेरे बोला कि गाली बहुत गंदी गंदी देने लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा बोले कि मेरे भाई को मत मारिए साहब, छोड़ दीजिए, गलती हो गई उससे। तो मेरे पापा को भी दो तीन थप्पड़ मारा, फिर कहा इन लोग को दोनों को थाने में बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद मेरे चाचा को और मेरे पापा को जेल में बंद करके क्या हुआ हम लोग नहीं देख पाए, उसके बाद हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद उन लोग पता नहीं कहाँ चले गए और कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग को बाहर बैठा दिया गया और सारे पुलिस बैठ के आपस में ही बात करने लगे, और बाहर कोई पुलिस भी नहीं खड़ी थी कि हाँ उनको देख सके कि हाँ उनकी तबीयत कैसी चल रही है कैसी नहीं। जब उन एकदम से हम लोग को मिलने भी नहीं दिया जा रहा, किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बार बार कह रहे थे कि हमको जाने दीजिए, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है। हम लोग अंदर, उन लोग एक लोग भी बाहर अंदर जाकर नहीं देखे कि हाँ वो कैसे हैं कैसे नहीं। हम इस सब में दोषी पुलिस वाले को ही मानते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस वालों की गलती है। उन लोग की वजह से ही मेरे पापा की ऐसी हालत हो गई जो इस दुनिया में नहीं है। हमको इंसान दिलाई है, बस हम आपसे यही चाहते हैं, प्लीज मेरी मदद करिए। अब हम लोग का कोई नहीं, मेरी तीन बहन है, एक छोटा भाई है और मेरी माँ है, बस और कोई नहीं है। घर खर्चा चलाते थे मेरे पापा, आज वो भी नहीं है। दुनिया में हम लोग किस तरह से रहेंगे, बस यही सोच रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करिए।